सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं कटाक्ष किरणाचान्त नमन्मोहाब्धये नमः अनन्तानन्दकृष्णाय जगन्मङ्गलमूर्तये जगन्मङ्गलमूर्तये। 19वां और 22वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। 19 एंड 20। 19 और 20। जड़ा जड़ विभागोयम् अजडे मयि कल्पितः भित्तिभागे समे चित्रे चराचर विभागवत चैत्योपरागरूपा मे साक्षितापि न तात्विकी उपलक्षणमेवेयं निस्तरङ्गचिदं बुधेः अमृताब्धेर्न मे जीर्णिः मृषाडिण्डिरजन्मभिः स्फटिकाद्रेर्न मे रागः स्वाप्नसन्ध्याभ्रविभ्रमैः स्वाप्नसन्ध्याभ्रविभ्रमैः। ग्रंथकार श्री लक्ष्मीधर कवि एक एक श्लोकों में आत्म संबंधी जितने प्रश्न हैं, जितनी शंकाएं हैं आत्मा को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर, उन शंकाओं का यहाँ निरसन कर रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और जो साधक मनन करने वाला है उसके लिए बहुत ही यह उपयोगी है, क्योंकि कई बार श्रवण करने के बाद मन में कहीं ना कहीं स्पष्ट ज्ञान होता नहीं, कुछ धुंधलाहट होती है। अब जैसे कल के प्रसंग में हमने देखा कि प्रसिद्ध ये है कि आत्मा साक्षी है, आत्मा के साक्षित्व पर कभी हम प्रश्न खड़ा नहीं करते, उसको शंका की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि सीधे बोल देते हैं हाँ आत्मा तो साक्षी है। अब आत्मा साक्षी है यह आपेक्षिक सत्य है, यह लक्ष्मीधर कवि जी ने बताया। आपेक्षिक सत्य स्वाभाविक सत्य नहीं है या फिर पारमार्थिक सत्य नहीं है। आपेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव, इन रिलेशन विथ, किसी के संदर्भ के साथ। यदि संदर्भ को हटा दिया जाए तो उसको साक्षी कहना भी गलत होगा। संदर्भ से ही यह लक्षण उसमें घटता है। आप लोगों ने पढ़ा है लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब उस वस्तु का खुद का स्वभाव, स्वरूप, बिना किसी संदर्भ से, बिना किसी की अपेक्षा से। जब किसी वस्तु का गुण बताया जाता है तो उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। जैसे आत्मा को सच्चिदानंद कहा तो ये कोई संदर्भ नहीं है, यह उसका नेचुरल स्वाभाविक स्वरूप है। अग्नि में उष्णता,
अब ऐसे ही आत्मा साक्षी है क्या है? तो बोले तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण का अर्थ होता है कि किसी के सहारे से जब आप कोई गुण या लक्षण बता रहे हो तो उसको से तटस्थ लक्षण। हमने इस पर चर्चा शायद पहले की है लेकिन फिर भी एक बार कर देते हैं। यदि कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, दूर से कोई हमसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है और हमने कहा कि जिसके ऊपर कौवा बैठा है वो हमारा घर है। अब वैसे देखा जाए तो कौवे और घर का कोई संबंध नहीं है लेकिन उस समय कौवे की सहायता से घर को संकेत किया जा सकता है, घर को इंडिकेट किया जा सकता है। इसलिए क्या कहा गया, घर वह हमारा घर है जिस पर कौवा बैठा है। ये तटस्थ लक्षण हुआ घर का। तटस्थ लक्षण का अर्थ होता है कादाचित कत्वे व्यावर्तकत्वम, ऐसा बताया। कादाचित कत्व होता है इसमें, कादाचित कत्व का मतलब होता है कभी होगा कभी नहीं होगा। जैसे कौवा हमेशा ही उस घर पे बैठा रहेगा ऐसा नहीं है, इसलिए उस पर्टिकुलर उतने समय में वो बैठा है तो उस समय हम अपने घर की पहचान कराने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन बाद में नहीं। घर का स्वरूप लक्षण क्या होगा तो बताया जाएगा, जो नीला है जो हरा है जो उसका वास्तव में रंग है। लेकिन अब इसके मदद से सहायता से हमने बताया वो तटस्थ लक्षण। ऐसे ही ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का लक्षण बताया कि ब्रह्म वह है जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। जन्माद्यस्य यतः, पूछा ब्रह्म का लक्षण बताइए तो लक्षण बता दिया जिससे जगत की जन्म स्थिति और लय, ये तीन घटनाएं जिसमें होती है या जिससे होती है उसको कहते हैं ब्रह्म। अब वहां पर भाष्यकार कहते हैं ये तटस्थ लक्षण है ब्रह्म का। क्यों तटस्थ लक्षण है? जगत के संदर्भ में ब्रह्म का वर्णन किया गया है। जगत को हटा के ब्रह्म कैसा है? जगत का नाम न लेकर आप ब्रह्म के बारे में बताइए तो वो उसका वास्तव में स्वरूप लक्षण होगा। अब जैसे एक और उदाहरण, रस्सी के ऊपर सर्प दिख रहा है, हाँ किसी को दिख रहा है, तो अब यदि रस्सी का लक्षण बताना है तो हम क्या बताएंगे? अरे जो ये सर्प है ना इसका कारण है क्या? रस्सी। मिथ्या सर्प का जो कारण है, अधिष्ठान है, वो क्या है? रस्सी। तो अब सर्प की सहायता से हमने रस्सी का संकेत किया, रस्सी तक उसको ले गए कि जो कारण है सर्प का वो है रस्सी। लेकिन यदि किसी ने पूछा, यदि किसी को सर्प नहीं दिख रहा है और उसने पूछा रस्सी क्या है, तो अब क्या हम इसे बताएंगे कि जिसके ऊपर सर्प का भ्रम हो रहा है वो है रस्सी? वो कह रहा है सर्प हमको दिख ही नहीं रहा है, सर्प को लाने की जरूरत क्या है? तो जिसको जगत दिख रहा है फिर जगत के संदर्भ में कहा जाएगा कि ब्रह्म जगत का कारण है, लेकिन जिसको जगत दिख ही नहीं रहा है तो यह कहना क्या होगा? व्यर्थ होगा कि वो जगत का कारण है। वो तो सच्चिदानंद है बस सीधा। ठीक इसी तरह ये अब सब हम क्यों कह रहे हैं, ये क्यों उदाहरण दिए? आत्मा को साक्षी तभी कहा जाएगा जब अवस्थाओं का संदर्भ होगा। तो ये अवस्था त्रय साक्षी, ये तटस्थ लक्षण है। अवस्था के संदर्भ में हाँ ठीक है, आत्मा बिल्कुल साक्षी है, लेकिन अवस्थाओं को एक बार भूल जाइए और फिर देखिए तो फिर उसको साक्षी कहना भी गलत होगा। बस इसी दृष्टि से यहां पर कहा कि साक्षिता अपि न तात्विकी चैत्योपराग रूपा, चूंकि वृत्तियां सतत आ रही है
और वृत्तियाँ भासित हो रही है, तो वृत्ति के संदर्भ में, वृत्ति की सहायता से आप आत्मा को बोल सकते हैं, आत्मा का लक्षण बता सकते हैं कि हाँ ये जो वृत्तियाँ दिख रही है ना, इसको जो देखने वाला है वो है साक्षी। लेकिन अब कोई समाधि में है या कोई नींद में है, नींद में भी चलिए अभावाकार वृत्ति का वो साक्षी है, जहाँ पर दृश्य है ही नहीं तो वहाँ दृष्टा कहने की कोई बात बनती नहीं। इस तरह यहाँ पर ये साक्षिता ये ठीक नहीं है, वो आत्मा है लेकिन आत्मा साक्षी नहीं है, साक्षी है आपेक्षिक दृष्टि से। इस तरह यहाँ सिद्ध किया। और आगे बहुत ही दो प्यारे सुंदर उदाहरणों के द्वारा इस आत्मा के ही स्वरूप का फिर वर्णन किया। किसी को लग सकता है कि आत्मा शरीर मन आदि उपाधियों के साथ सतत रह रहा है तो आत्मा भी शायद प्रभावित हो जाए, क्योंकि क्या कहा जाता है दुनिया में, जैसा संग वैसा रंग। तो यहाँ पर कहा कि ये आत्मा महाराज बिल्कुल अछूत है, अंटश, अस्पर्श, अस्पर्श योग कहा गया एक है, जिसको स्पर्श होता ही नहीं, ये अद्भुत है, इतने कचरे में है, कचरा बोलना ठीक नहीं, लेकिन इतनी गड़बड़ चीज़ों के बीच में आत्मतत्व बैठा है, लेकिन फिर भी असंग है, अलिप्त है, अनासक्त है। कैसे? तो बोले जैसे स्फटिकाद्रे, आद्री आद्री मतलब होता है गिरी, पर्वत, 21वें श्लोक में देखिए दूसरे लाइन में, स्फटिक, स्फटिकाद्री, आद्री का आद्रे हो गया, स्फटिक के पर्वत पर जितने ये बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका जो रंग है उस रंग से वो पर्वत रंजित नहीं होता। हाँ, राग, राग का अर्थ होता है, राग मतलब आसक्ति हम बोलते हैं, तो ये जो बादल है इनकी गति है, इनका आकार है, इनका रंग है, बादलों में तरह तरह की विविधताएं हैं, बोले उससे उस स्फटिक पर्वत पर किंचित भी प्रभाव पड़ता नहीं, न भ्रम विभ्रमहि। तो यहाँ पर उदाहरण ये है कि ये आत्मतत्व अनेक वृत्तियों के बीच में बैठा हुआ है। चलिए वेदांत का जो दूसरा विषय पंचकोश, पंचकोश के मध्य बैठा हुआ है ये बादल, मानो कि क्या है, पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अब ये पंचकोशों के अपने अपने गुण हैं, अन्नमय का है अन्न, वो एक स्वतंत्र पूरा विषय है, शरीर को कहते हैं अन्नमय। अब अन्नमय कोश के साथ चेतना है, आत्म तत्व विद्यमान है, तो अन्न का प्रभाव चैतन्य पे शायद पड़ जाए, तो बोले नहीं, वो उससे असंग ही रहता है। शरीर को हम अपने से अलग देख सकते हैं, शरीर के विकारों को, शरीर के परिवर्तनों को हम अलग से बिल्कुल जान सकते हैं कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, षड विकार वेत्ता, छो विकारों का वेत्ता अहम है, साक्षी है, तो विकारों से आप प्रभावित, तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये अपने व्यक्तित्व की समझ लीजिए पांच लेयर्स हैं, पांच परतें हैं। अन्नमय सबसे बाहरी परत है, बाह्य आवरण। जो व्यक्ति बहुत ही स्थूल बुद्धि वाला होता है वह अन्नमय कोश में ही रहता है, अन्नमय से ही उसका तादात्म्य अधिक, इसलिए उसको कहते देहाभिमानी, उसको कहते भौतिकवादी, केवल ये भूत
ये शरीर पंचभूत है, इस भूत में ही वो आ सकते हैं, भूत का ही उसको सतत ध्यान है शरीर का के। तो ये विषय एक है, तो शरीर है, शरीर का मैं साक्षी हूँ या अधिष्ठान। तो जैसे वो पर्वत है अप्रभावित तद्वत। दूसरा यहाँ बताया कि जैसे अमृत का सागर हो और उस सागर में लहरें उठ रही हो, तो लहरों से वो अमृत का जो सागर है उसमें कोई भी विकार होता नहीं। तो यहाँ संकेत ये किया गया कि आत्मा अमर है, और अमर शब्द का अर्थ होता है नित्य है, और नित्य शब्द का अर्थ होता है काल के संदर्भ में जिसमें जरा भी विकार आता नहीं। हाँ, प्राय प्राय जगत की सारी वस्तु, प्राय क्या सभी वस्तु काल में मरने वाली है, और काल के संदर्भ से ही हम उस वस्तु का वर्णन करते हैं कि इस वस्तु की लाइफ कितनी है, तो बोले 10 साल 20 साल, वह व्यक्ति कितने साल जिया, बोले 70 साल। तो ये काल सापेक्ष वर्णन है। जगत में सारी के सारी चीज़ें काल के अधीन है, इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा कालो जगत भक्षक, काल पूरे जगत को खा जाता है। काल का एक नाम है शेष, जो शेष रहे ना वो है काल। तो काल एक जबरदस्त चीज है, काल को भगवान का प्रभाव भी कहा गया है भागवत में। भगवान अपने प्रभाव को कैसे बताते हैं, बोले काल के द्वारा, टाइम। तो भगवान का एक नाम है महाकाल, जो कालों के भी काल है, कालोस्मि। हाँ, गीता में लिखा मैं जगत के क्षय करने के लिए हाँ खड़ा हुआ हूं, ऐसा आता है। तो काल एक ही चीज है जो काल के परे हैं। हिंदी में इसको बड़ा अच्छा कहा, एक ही चीज है जिसमें काल की दाल गलती नहीं है। बोले वो क्या है, तो कहा आत्म चैतन्य। इसलिए सिख धर्म में जब किसी का अभिवादन करते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल, अकाल, अकाल मूरत, ऐसा भी बोला है अकाल मूरत। आत्मा की मूरत क्या है, अकाल। तो अमर कहने का अभिप्राय यह है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों में बिना परिवर्तन हुए जो सत्ता अखंड अबाधित है वह है अमर। तो आत्म चैतन्य अमृत है। अब देखो इसको बिल्कुल समुद्रवत कहा है, समुद्र मतलब जो व्यापक है, जो बड़ा है। चेतना मतलब केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है कि हमारी आत्मा तो अमर है, तुम्हारी आत्मा मरने वाली है, ऐसा नहीं है। आत्म चैतन्य मानो की बिछी हुई है, व्यापक है, और आकार उसके ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं। अब देखिए चाहे कितने आकार प्रकार उस पर आए, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी ने अपने कमेंट्री में बड़ा अच्छा लिखा कि ये जितनी ये वृत्तियां आ रही है ये लहरें हैं, सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, रागाकार वृत्ति, द्वेषाकार वृत्ति। ये वृत्तियां कितनी भी जोर लगा दे कि आत्मा को हम अपने जैसा बना लें, बोले हो नहीं सकता। आत्मा मानो कि मुस्कुराता है, बोले आ जाओ थोड़ी देर नृत्य करो चले जाओ। तो ये आत्मा के ऊपर सारी वृत्तियां आती है जाती है, बिल्कुल हम देख सकते हैं नर्तन वर्तन। तो अमृताब्धेर नमे जीर्णी, ये सारी के सारी वृत्तियां आत्मदृष्टि से यदि उसको आप देखो, आत्मा आत्मा की जो सत्ता है उसके दृष्टि से देखो, तो ये सब आरोपित मालूम पड़ेगी, मिथ्या दिखाई देगी।
लहरें सारी समुद्र पर आरोपित हैं, हवा के प्रभाव से पानी हिल रहा है, तो उसी को क्या बोल देते हैं? लहर। ऐसे ही विषयों के कारण एक चेतना थोड़ी हिलती हुई सी दिखाई देती है, उसी को बोल देते हैं वृत्ति। हिलती नहीं है, हिलती हुई सी। इसलिए उपनिषद में आता है लेलायति इव ध्यायति इव, एज दो मानो कि आत्मा हिल रहा है। वृत्ति आ रही है तो लगता है मैं हिल गया, नो। क्रोध आया तो लगता है मैं क्रोधी हो गया, लेकिन वो होता नहीं। यदि मैं वास्तव में क्रोधी होता तो फिर मैं शांत कैसे होता? तो एक आवेश है, एक वेग है। तो मैं अमृताब्धे न जीर्णी, मुझ अमृत सागर में जरा भी हानि नहीं। मृषा डिंडिर जन्म भी, ये जो मिथ्या वृत्ति आ रही है या डिंडी मतलब लहरें, उनके द्वारा मेरा नाश कभी भी संभव नहीं है। बोला हम लोगों ने पहले ये इस बात को तर्क से भी सिद्ध करके देखा है कि आत्मा मर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा मरता हुआ देखेगा कौन? आत्मा के प्रध्वंसा भाव का दृष्टा कोई नहीं है। इसके ऊपर हमने देखा था स्वजन्म नाशम हुआ, तो आत्मा अमृत है। और एक और तर्क दिया था कि हमको सतत प्रत्यभिज्ञा होती है कि कल जो मैं था आज ही मैं हूँ, तो इसलिए उसको नित्य मानना चाहिए। तो यहाँ तक ये आत्मा के बारे में जो भ्रम थे उसको दूर किया। अब एक बहुत ही अच्छा विषय प्रारंभ हो रहा है, अच्छा है लेकिन अब ये थोड़ा कठिन भी है समझने में, थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा गूढ़ है। अब एक भ्रम क्या है लोगों को, ये बार बार लोग सुनते हैं आत्मा सच्चिदानंद है। तो हम लोगों को क्या लगता है कि ये सच्चित आनंद ये आत्मा का कोई गुण है? आत्मा के तीन तीन गुण हैं क्या? तो बोले सच्चित आनंद। तो यहाँ पर एक एक श्लोक में एक एक इस सच्चित आनंद को लेके स्पष्ट किया कि आत्मा के ये गुण नहीं हैं। गुण यदि मानोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, आपके सिद्धांत की हानि हो जाएगी। आत्मा के ये गुण नहीं है, तो फिर गुण नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, यदि हम इनको आत्मा के गुण माने तो फिर क्या आपत्ति है? ऐसा यहाँ पे ये विषय है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, 22वां श्लोक। स्वरूपमेव मे सत्वं न तु धर्मो न भस्त्ववत् मदन्यस्य सतो भावात् न हि सज्जातिरिष्यते। स्वरूपमेव मे सत्वं न तु धर्मो न भस्त्ववत् मदन्यस्य सतो भावान् नहि सज्जातिरिष्यते। कहते हैं यह जो आप बोलते हैं कि मेरा गुण सत है चित है, बोले ऐसा ये दो नहीं है। देखो आपने हमने यदि ये कहा कि मेरा गुण सत है, मतलब हमने क्या बना दिया? एक संबंध बना दिया। स्वामी जी ने अच्छा लिखा है, बोले हम लोगों को रिश्तेदारी बनाने की बड़ी आदत है, हर चीज़ में संबंध बनाते हैं। तो हम में और आत्मा में हम संबंध बना देते हैं, मेरी आत्मा। यदि आत्मा मेरी है तो फिर मैं कौन हूँ? हो गया ना, ये ऐसा बोला जाता, आत्मा मेरी नहीं है मैं ही आत्मा हूँ। यदि हम कहेंगे मेरी आत्मा तो आत्मा अलग हो गई और आत्मा से अलग मैं हो गया,
तो आत्मा से अलग मैं मतलब फिर अनात्मा हो गया, तो काफी समस्या हो जाएगी। अनात्मा मतलब क्या, जड़ है जिसकी सत्ता ही नहीं है, वो हो जाएगा अनात्मा। तो मेरा आत्मा कहना जैसे गलत है, ऐसे ही आत्मा के गुण सत है, चित है, ये भी गलत है। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अनेक ऐसे पंथ है या मत है जो आत्मा को मानते हैं द्रव्य। हाँ, द्रव्य मतलब क्या, एक पदार्थ है, और जब पदार्थ होता है तो उसका एक गुण होता है, इसलिए द्रव्य गुण संबंध। जैसे फूल है तो फूल एक द्रव्य है और उसका गुण है, पुष्प का गुण क्या, तो बोले कोमल है, सुगंधित है, लाल है। तो अब इन दोनों में ये जो तीन गुण है और पुष्प, इनमें संबंध हो गया द्रव्य गुण का, या इसको आप बोल सकते हैं गुण गुणी। पुष्प हो गया गुणी और ये लाल इत्यादि क्या हो गए, गुण हो गए। अब यदि हम आत्मा को भी, ध्यान से सुनना, ऐसा ही द्रव्य मान ले और उसमें ये तीन गुण मान ले, तो फिर एक समस्या ये आ जाएगी कि यह आत्मा भी अन्य द्रव्यों की तरह, अन्य पदार्थों की तरह सीमित हो जाएगा, तो परिच्छिन्न हो जाएगा, दूसरा मरने वाला हो जाएगा, और तीसरा जड़ हो जाएगा। जितने द्रव्य है वो जड़ है, तो आत्मा एक पदार्थ नहीं है। जैसे हजारों पदार्थों में एक पदार्थ आत्मा है, जैसे कमरे में 10-20 चीज़ें पड़ी हुई है, कुर्सी है, टेबल है, टीवी है, पुस्तक है, तो उसी में एक आत्मा भी है, ऐसा नहीं। इसमें ये जो उसको द्रव्य मानना और फिर उसमें गुण मानना, उस कारण इतने यदि ऐसा हमने माना तो अनेक दोष आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही गूढ़ ऐसा श्लोक है, कहते हैं देखो आत्मा का स्वरूप है सत या सत्व, आत्मा का गुण नहीं है। इसमें बहुत फर्क हो जाता है, एक शब्द से अर्थ पूरा भिन्न हो जाता है। आत्मा का स्वरूप कहने का मतलब है कि आत्मा ही सत है, आत्मा में सत नाम का गुण रहता है ऐसा नहीं, बल्कि सत को ही कह रहे हैं आत्मा। ये एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज कॉन्शियसनेस, हाँ अस्तित्व ही आत्मा है। हम लोग कहते हैं आत्मा का अस्तित्व, ऐसा नहीं। देखो यदि गुण मानेंगे ना, जैसे पुष्प में लाल इत्यादि गुण है, ठीक है। अब ये गुणों में एक दोष ऐसा होता है कि वो बढ़ते हैं घटते हैं। अब जब पुष्प खिला हुआ है, ताज़ा है, तब तो उसमें सुगंध है, और थोड़ी देर के बाद, 2-4 दिन के बाद जब सूख जाता है तो उसमें वो लाली माँ भी चली गई, उसमें जो सुगंध था वो भी चला गया, कोमलता भी चली गई। अब यदि हम आत्मा में ये सत नाम का गुण मान ले, सत मतलब अस्तित्व, तो गुण क्या होगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। आत्मा का गुण है अस्तित्व सत, तो फिर तो वो सत में विकार हो जाएगा, क्योंकि गुण का स्वभाव ही है विकृत होना। तो कभी तो आत्मा कैसी हो जाएगी, अनस्तित्ववान हो जाएगी, या कभी कम अस्तित्व वाली हो जाएगी, ऐसा अनुभव हमको है नहीं। इसलिए यह जो एक भ्रम है इसको निकालना चाहिए, इसमें कोई संबंध नहीं है, ये स्वरूप है, सत स्वरूप है। जैसे एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, हम बोलते हैं सूर्य का प्रकाश, हाँ ये एक शब्द हम बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश तो दो हो गए, प्रकाश अलग और क्या, सूर्य अलग। अब जरा बताइए यदि ये दो भिन्न हैं
तो प्रकाश सूर्य के बिना रहना चाहिए, लेकिन नहीं, जब भी सूर्य होगा क्या होगा, प्रकाश रूप ही होगा। कोई ऐसा कहता है क्या कि डार्क सूर्य है? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते। मध्यम सूर्य, सूर्य जस का तस है, सूर्य का प्रकाश बोलना ठीक नहीं, सूर्य एव प्रकाश। आत्मबोध में यही प्रकाश और कस्य तो यस्य, आत्मबोध में शंकराचार्य ने यही उदाहरण दिया, जैसे जल का, जल और शीतलता, सूर्य और प्रकाश, अग्नि और उष्णता, ये क्या स्वरूप है, इनमें कोई संबंध नहीं है, गुणगुण ही नहीं है। तो यहां पर कहा स्वरूपमेव मे सत्वम, मेरा स्वरूप ही है सत्व। और यह उदाहरण दिया न तु धर्मो न भस्त्ववत, सत्व या सत मेरा स्वरूप है, जैसे नभ का नभत्व। ये नभ का नभत्व मतलब, नभ मतलब होता है आकाश, और आकाश में क्या है तो बोले नभत्व है, नभत्व उसका स्वरूप है। अच्छा, पहले एक बात बोल के हम आगे की बात करें और पूर्ण करें। यहां पर बोला कि नभत्व उसका स्वरूप है, मतलब क्या, मतलब यह है कि वह कहीं से आया नहीं है, गया नहीं है। एक शब्द दिया जाता है स्वरूप किसको कहते हैं, तो बोले अहेयम अनुपादेयम। ध्यान से सुनना, ये पहले भी शायद आ चुका है विषय, लेकिन स्मरण करा देते हैं। जिस गुण को कहीं से लाया नहीं जाता, न वो कभी वो वस्तु छोड़ती है, उसको कहते हैं उसका स्वरूप। नभ का नभत्व, आकाश में जो आकाशत्व है, भले वो उसने कहीं से लाया नहीं और वो कभी उसका छूटेगा नहीं, तो ऐसे ही आत्मा में जो सत्ता है, एग्जिस्टेंस या सत्ता है, वो कहीं से आत्मा में आई नहीं, कहीं से लाई नहीं गई, और वो कभी छूटेगी भी नहीं। अहेयम मतलब त्याज्य नहीं है, छूटने वाली नहीं है। अनुपादेय, उपादेय मतलब होता है ग्रहण करना, टू टेक, टू ब्रिंग, लाना। अनुपादेय मतलब कहीं से लाना नहीं है, लाई नहीं। तो आत्मा में जो सत है वो स्वरूप है। स्वरूप इसलिए है कि आत्मा की सत्ता उधार नहीं ली हुई है, और न आत्मा को डर है कि उसकी सत्ता छीन ली जाएगी, तो इसलिए आत्मा एव सत, ये स्वरूप है। जैसे हर महाभूत का अपना अपना क्या स्वरूप है, यहाँ आकाश का ये गुण दिया, ठीक है। अब इसमें एक दो बात और है जो थोड़ी और गूढ़ है, मुझको लगता है वो हम अब अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा विषय भारी है, उसको हम कल देखेंगे। दो मिनट में वो पूर्ण होने वाला भी नहीं है वो विषय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।